Hello student, welcome to Equator Academy, Dehradun. Now we are going to discuss educational qualification kya hai for the Indian Forest Service. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एज का क्राइटेरिया डिस्कस किया था. अब इस छोटे से एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसको सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है. तो अगर हम शुरुआत करें कि वॉट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन to appear in IFS exam, Indian Forest Service exam. तो जो official notification है उसमें लिखा हुआ है, a candidate must hold a bachelor degree, ठीक है, must hold a bachelor degree with at least one of the subject namely, यानी कि जो उसका degree course है उसमें mainly जो है एक चीज़ आपकी होनी चाहिए. का मीन्स ये हुआ कि जो आपका बैचलर डिग्री कोर्स है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका डिग्री कोर्स जो है, अगर उसमें क्या है, सेमेस्टर है, या आपका डिग्री कोर्स जो है ईयरली वाला है, यानी कि वन ईयर के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, या हर सिक्स मंथ्स में आपका क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है. तो अगर आपका सेमेस्टर है या आपका ईयरली एग्ज़ाम है, तो आपके सब्जेक्ट्स में इन में से, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैट्स हो गया और जूलॉजी हो गया, कोई एक जो सब्जेक्ट है वो तीनों सालों में या सभी सेमेस्टर में होना ही चाहिए. ये आपको एक दिमाग में रखना है, ठीक है. इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बस इसमें एक बेसिक रूल आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका डिग्री कोर्स है, अगर वो ईयरली वाला है या सेमेस्टर वाला है, तो हर एक सेमेस्टर या हर ईयर में आपका इनमें से जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पूरे ग्रेजुएशन में वो आपका रहना चाहिए. यानी कि फर्स्ट ईयर में लिया और तो सेकंड ईयर में ड्रॉप कर दिया, या थर्ड ईयर में अडॉप्ट किया, फर्स्ट और सेकेंड में अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्लैरिटी से इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यानी कि जिन्होंने BSc किया हो, BSc क्या किया हो, या तो CBZ से किया हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या BSc जो है वो PCM से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, या आपका BSc उनका क्या हो, आपका कई लोग क्या करते हैं, फिजिक्स होता है उनके पास, केमिस्ट्री होता है और जियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जियोलॉजी एक आ जाता है, ठीक. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बहुत बनते हैं, लेकिन कॉमनली ये वाला कॉम्बिनेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता है, या तो CBZ होता है या तो PCM होता है, ठीक है, एक आपको ध्यान में रखना है, ठीक. दूसरा, अगर आपका बैचलर डिग्री है इन एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, ठीक है, एक क्या होता है आपका BSc एग्रीकल्चर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स हो गया. उसके बाद क्या करते हैं, BSc फॉरेस्ट्री करते हैं, ये भी एक आपका प्रोफेशनल कोर्स हो गया. और कई लोग जो है आपका इंजीनियरिंग, जैसे कि क्या हो गया, BTech हो गया, अलग अलग स्ट्रीम से करते हैं, तो वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का सब टॉपिक है, ठीक है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो तो खैर उसमें होंगे नहीं, तो इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं. अभी ये कैसे समझ में आएगा कि कौन सा इंजीनियरिंग है, जब हम अगले टॉपिक में ऑप्शनल्स की बात करेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि BTech इंजीनियरिंग जो करते हैं वो क्यों इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BTech वाले स्टूडेंट, क्योंकि लिखा हुआ है और इन इंजीनियरिंग और एनी इंजीनियरिंग ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास इसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो पूरे आपके ग्रेजुएशन में, तो आप एजुकेशनल जो है, जो पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल करते हैं.